हाँ, वे दो योद्धा हैं जिनके पेट स्टील के बने हुए हैं और अभी भी खाली भी हैं। बस आपको ऐसी प्रतियोगिता के लिए और क्या चाहिए। जेसिका और केरा सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर वे दोनों जानी दुश्मन हैं। सबसे पहला टास्क शायद अंत में सबसे मीठा हो सकता है। सबसे ज्यादा शहद कौन खा सकता है और सबसे जल्दी। और इस तरह से वे खाने में लग गए हैं और प्रतियोगिया के होठों से यह मीठा सामान पहले ही टपक रहा है। वे कब तक इस गति को बनाए रख सकते हैं? ओ, केरा की गति तो अब धीमी भी होने लगी है। अरे यार, सच में जेसिका, यह तो बढ़िया तरीका है। और बस इस तरह हमारे पास पहली विजेता है। स्पष्ट रूप से केरा को मीठा खाना पसंद नहीं है, पर जेस को इन सब के बाद कैविटी के बारे में चिंता करने की भी आवश्यकता हो सकती है। हम ये बताना भूल गए हैं कि विजेता जो चाहे वह कर सकता है और वह हारने वाले को अपनी पसंद के अनुसार दंड दे सकती है। तैयार हो जाओ केरा, एक शहद का फेस मास्क आज की कठिनाइयों में सबसे कम होगा और यह तुम्हारे त्वचा के लिए भी अच्छा है, हालांकि यह पंख का स्पर्श अच्छा है। ओह, आंखों को लुभाने वाला रंग है। अब बहुत हो गया जेस। दूसरा दौर चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। इनमें से कौन सी लड़की अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से और जल्दी से परास्त कर देगी? और उन बगेट को आधे भाग में कर दिया गया है, स्लाइस रख दिए गए हैं और फिर केचप और मेयो की एक परत लगा दी गई है। स्वादिष्ट। और अब इस पर पेपरोनी स्लाइस। और क्या चाहिए लड़कियों? रुको, सरसों नहीं, चीज नहीं, या सलाद या टर्की, हालांकि यह होना चाहिए था। और अब 3, 2, 1 खाओ, भोजन का आनंद लो लड़कियों। वास्तव में मुझे इसमें संदेह है कि तुम में से कोई भी इतने बड़े सैंडविच को खा पाएगा, हालांकि लग रहा है कि मैं गलत हो सकती हूँ। उनकी भूख बहुत मजबूत है और तेजी से और अधिक तेजी से खाने की उनकी इच्छा और भी मजबूत है। मैं सोच रही हूँ इस चुनौती की तैयारी के लिए वे कितने दिनों से उपवास कर रही थी। ओह, यह वास्तव में अप्रत्याशित मोड़ है। जेस ने हार मान ली है, लेकिन कई लोगों के लिए वो पसंदीदा प्रतियोगी थी। अब केरा की बारी है उसे सजा देने की। रचनात्मकता के लिए 10 अंक। बहुत बुरा नहीं है, पर बहुत अच्छा भी नहीं। आज की चुनौती के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। गर्म पिघला हुआ चीज और ताजा सीधे ओवन से निकल कर आया है। ओह, कि पिज्जा मुझे पुकार रहा है, मैं तो इसे किसी के भी साथ शेयर ना करूं। चलो शुरू करें। वाह, ये दोनों ही खाने पर टूट पड़ी हैं। लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हारे सामने ब्रसेल्स स्प्राउट का ढेर या एंचोवीज का पहाड़ होता तो भी क्या तुम इतने ही जोश से इस प्रतियोगिता में भाग लेती? आशा करते हैं कि ये सब आज ना मिले, यह अच्छा नहीं है। लेकिन बेहतर या उससे भी बदतर, लड़कियों ने एक शब्द भी नहीं सुना जो हमने कहा। इसके बजाय उनकी सारी ऊर्जा और फोकस को वे अपने हाथों में या कहें तो मुंह में डाले जा रही थी। जैस, क्या तुम इसे फिर से पूरा नहीं करोगी? अब एक लड़की एक बाइट भी नहीं खा पाएगी। अब तो बंद कर दो, क्या तुम करोगी? हालांकि केरा रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है, उसके चेहरे पे तनाव के कोई चिन्ह नहीं है। क्या वह उसे पूरे पिज्जा को अपने लिए ले रही है? अच्छा होगा कि उसे चुनौती के बाद खाने के लिए बचा लो, अभी यहाँ करने को बहुत कुछ है। क्या है? रुको, उन कटोरे में क्या है? ओ, नूडल्स। यह दिलचस्प होने जा रहा है। और यहाँ लो मेरी दोस्त, और हम दोनों अब इसे नूडल्स को मिला देंगे जो इसे नीचे लाने में मदद करेगा। मेरा मतलब है कि मैं इसके बिना ठीक होती, लेकिन ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब खाने की दौड़ शुरू हो गई है। क्या आप इसे देख रहे हैं? जेस ने अपने खाने के सभी अच्छे तरीकों को छोड़ दिया है और अपने कांटे और चम्मच को भी, और अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया है।
मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को ऐसे उत्साह के साथ पास्ता खाते नहीं देखा है। यह एक दुर्घटना की तरह है जहां आप कोई मदद नहीं कर सकते बस देख सकते हैं। केचप और नूडल्स के टुकड़ों के साथ चेहरे ऐसे घुल मिल गए हैं कि यह एक हॉरर शो की तरह दिखने लगा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? हालांकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है। शिष्टाचार के इन सभी नियमों को एक किनारे करो। अगर तुम्हें उसे हराना चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा जंगली होना होगा। यह कांटे बस तुम्हें धीमा कर रहा है और तुम्हें पीछे धकेल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस कटोरे का पास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा और वे बस खाए जा रही हैं। ओह, क्या अब तुम्हारा हो गया केरा? हाँ, अब तो बस जेसिका को नूडल गर्ल या स्पेगेटी क्वीन कहा जाएगा। अब केरा के पास एक नया हेयर स्टाइल है। चलो, इस चुनौती को शुरू करने का अभी भी मौका है। आगे बढ़ते हैं। केरा अभी अपने बालों से वह पास्ता निकाल भी नहीं पाई थी और उसका अगला टास्क उसके सामने आ गया है। चलो फिर शुरू करो लड़कियों, हम देख सकते हैं कि तुम लोग इंतजार नहीं कर पा रही हो। और अगर मैं स्थिति को समझने में गलती नहीं कर रही हूँ तो ये एक व्हिप्ड क्रीम खाने की प्रतियोगिता है। यह बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट होने वाला है। हमारी लड़कियाँ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और ईमानदारी से बताएं कि किसने इस तरह से एक ही बार में पूरा डब्बा व्हिप्ड क्रीम खाने का सपना देखा होगा। हो सकता है आपने इसे पहले भी किया हो, लेकिन कई डिब्बे? कुछ बता रहा है कि यह पहली बार है। और ये दो गहरे गड्ढे अभी भी थके नहीं हैं और पूरे मजबूती से काम में लगे हुए हैं। वाह, जाहिर तौर पर इस बार ड्रॉ है। दोनों लड़कियां तो और के लिए तैयार हैं, पर लेकिन वहां कुछ बचा नहीं है। आज के खाने की चुनौती में अगला व्यंजन है सभी का पसंदीदा फल। हमारी काउगर्ल पूरे जोश में हैं और एक जल्दी ड्रॉ प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हैं। उनका बनाना कोल्ड 45 जल्दी ही अपना काम करेगा। जो ज्यादा भूखा हो वो इस प्रतियोगिता को जीते, ऐसा हम चाहते हैं। और अगर आप सब बहुत अच्छे और दयालु हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं, हम आपके आभारी रहेंगे पार्टनर। अधिक गति के साथ केले खाने का यह मास्टर क्लास जोड़ों पर है। वे इसे कैसे कर रही हैं? उनमें से कोई भी केला को चबाता हुआ नहीं दिखता है। फिंगर क्रॉस करके रखें कि कहीं यह गले में ना फंस जाए। और अगर यह गलती से हो जाए तो फिर हेमलिक मैनोवर के लिए तरीके के लिए भी तैयार हो जाए। हमारे प्रतियोगी इस दौर में उतार चढ़ाव के साथ अंतिम दौर पर हैं और अंत तक डटी रहीं। जेसिका, लड़कियों ने तो वास्तव में कमाल का प्रदर्शन किया है। केरा एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी सजा भुगतती है। यह बस एक छोटी सी विंडो ड्रेसिंग है, इससे भी खराब हो सकता था। और अब चीटोज ने अपनी जगह केंद्र में ले ली है। स्पष्ट है कि ये दोनों अपने पेट में कुछ जगह खाली करने के लिए और कुछ कैलोरी जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, कोई जमीन पर गिरे हुए चीज को खाना नहीं चाहता है। अब से कोशिश करो कि चिप्स कटोरे में ही गिरे। हालांकि यह स्पष्ट हो गया है कि उचित व्यवहार और शिष्टाचार आज टेबल से दूर है, तो चीटोज भी क्यों नहीं। इस छोटी चीज के लिए चुनौती बहुत कड़ी है और यह छोटी चीज तो बहुत स्वादिष्ट है। वह कैसे अपने मुंह में इतने सारे एक साथ डाले जा रही है? केरा, ये एक चबी बनी का खेल नहीं है। दिलचस्प तरीका। ओह, थोड़ी चोट लग गई। आउच, लड़कियों। और यह चुनौती कुछ समय में नियंत्रण से बाहर हो गई है और एक खाने की लड़ाई बन गई है। कुछ बड़ा करो या अपने घर जाओ, है ना? खेल उस छोटी सी असावधान रुकावट के बाद भी जारी है, लेकिन ओ नहीं, अभी थोड़ी बची है। चीटोस खत्म हो गई। एक और टाई। अरे, अब चीजों को थोड़ा उलट देते हैं। आखिर शहद, पिज्जा और व्हिप्ड क्रीम के बाद कुछ सब्जियां, एक स्वागत योग्य परिवर्तन होना चाहिए। ये दोनों विचारों पर नहीं बिकते हैं, पर एक चुनौती है तो शुरू हो जाओ लड़कियों। वाह, यह तो सब्जियों का ढेर है, या फिर इसे टमाटर और खीरे का पहाड़ कहें।
लग रहा है कि जेसिका अभी भी चीटोस पर ही अटकी पड़ी है। यह दिख रहा है कि वह असली खाना खाने के लिए कितना संघर्ष कर रही है। पौष्टिक, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्जियाँ चिप्स की तुलना में खाद्य पिरामिड में बहुत ऊपर है। और हाँ, खीरे में 80% पानी होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। यह चुनौती निश्चित रूप से फाइनल में पहुंच रही है। कटोरा खाली हो रहा है और हमारे पास ऊर्जा के हर आखिरी ऑंस के साथ चबाने वाली लड़कियां हैं। तरीका है। यहाँ रचनात्मक माइक एक प्रेरणा देने वाला कलाकार है, लेकिन एक क्रूर शिक्षक भी है। वो अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने छात्रों के साथ कुछ भी कर सकता है। जो कोई भी इस बड़े कैंडी को सबसे अच्छा बनाएगा उसे यह पुरस्कार के रूप में मिलेगा। आपके पास 30 सेकंड है, शुरू करो। अब हमारी लड़कियां कोई नौसिखिया नहीं है और यह चॉकलेट बनाना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यहां उनकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। उनके कार्य प्रगति पर हैं, पेंसिल, पेंच और मार्कर उनके सामने है। और लगता है कि सब कुछ काफी आसानी से चल रहा है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये एक चुनौती ही क्यों कहलाता। बेचारी जेस ने एकदम शुरुआत से बनाने की फिर से कोशिश किया, पर घड़ी उसके खिलाफ काम कर रही है। पता नहीं हुआ कितना बना पाएगी। ओ, बहुत कम समय बचा है। चलो तैयार प्रोजेक्ट को देखते हैं। सच में ईमानदारी से कहें तो यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। माफ करना जेस, पर रेचल की तस्वीर तुम्हारी तस्वीर से काफी अच्छी है। तुम्हारे लिए तालियों का एक दौर, प्यारी लड़की। इससे अब रेचल का स्कोर 1 है और जेस 0 पर है, पर अभी तो बस शुरुआत है। ये दोनों आज की चुनौती के अगले दौर में जाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रही हैं। अगले दौर के लिए क्या है? खैर, माइक के हाथ में वो आईफोन का बक्सा यूं ही नहीं पड़ा है, वह निश्चित रूप से यह मेरा होगा। मैं जीतने वाली हूँ। नहीं, मैं हूँ। अब अपना पेंट ब्रश को मुंह पर रखो, चुप हो जाओ। लड़कियों, समय शुरू हो चुका है। घबराओ नहीं, अपना ध्यान केंद्रित करो और काम पर लग जाओ, अभी भी समय बाकी है। मुझे काम करते हुए कलाकार को देखना काफी पसंद है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। वो क्या था? बारिश हो रही है मोजो की? सच में? ओ नहीं, और वे साफ भी नहीं है। छी, अरे मेरे मोजे को खोजने के लिए धन्यवाद लड़कियों। समय समाप्त हो गया। ओ भगवान, वो तो बहुत जल्दी हो गया। देखते हैं कि आपने क्या किया। जेस ने कुछ बनाया है और फिर रेचल ने, और एक बार फिर लग रहा है कि रेचल एक बार फिर से हमारी विजेता बन गई है। बहुत बढ़िया काम रेच, तुम उतना अच्छा नहीं। 2-0, जेस अपनी बढ़त लिए हुए है। बहुत सोचने के बाद माइक फिर से एक और विचार के साथ सामने आया है। चलो प्रतियोगिता जारी रहने दो। एक सोने की पट्टी? सच में? क्या वो असली है? क्या हमारी डायनामिक जोड़ी तैयार है? तो आपको इस सोने की ईंट को पेंट करने के लिए 40 सेकंड मिले हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलो उन्हें देखते हैं। उन्हें इस तरह से काम करते हुए देखकर तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। उनके हाथ तो जैसे पेंट के लिए और पानी के लिए उड़ रहे हैं। मेरा कीमती। खैर, अब देखो, जेसिका ने स्पष्ट रूप से अपना सबक सीख लिया है और इस बार तैयार है। मैं देख रही हूँ कि अपना खेल अच्छे से खेल रही है। बुरा नहीं है। तो सब कैसा चल रहा है? खैर, समय समाप्त हो गया है। अब अपना काम दिखाओ। किसी काम को पूरे बारीकी से किया जाए तो सुंदरता निखर कर आती है और जेस ने निश्चित रूप से यही किया है। रेच, तुम्हारी जीत का सिलसिला खत्म हो गया है। अब यह काफी दिलचस्प होता जा रहा है दोस्त। आखिरकार
का जेस ने स्कोरबोर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जेस 1, रेचल 2। क्या वो हमारे बारे में भूल गया है? क्या हमने सारी चुनौती खत्म कर ली? हेलो, हो गया? ज्यादा अंतर से नहीं, मैं अपनी पसंद की धुनों का आनंद ले रहा था। फिर अगले कार्य के बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए छोटी सी तस्वीर बनाओ। तुम लोगों को इसे पूरा करने के लिए पूरे 40 सेकंड मिलेंगे, तो फिर 1, 2, 3 शुरू हो जाओ। यह जोड़ी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम में लग गई है। इनके ध्यान को कोई नहीं बटा सकता। उंगलियों को क्रॉस करके रखे कि यह ठीक से चलता रहे। याद है ना कि यहाँ क्या है? पर यह ज्यादा देर नहीं चला। अरे ये क्या है? सांप, कीड़े, यह बहुत हो गया। माइक, तुमने ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हम इन सब के साथ कैसे रचनात्मक हो सकते हैं? तुम दोनों का समय समाप्त हो गया। हालांकि मैं पूछने से नफरत करता हूँ, पर हमें दिखाओ कि तुम दोनों ने इसे कैसा बनाया। फिर से कोई भी इस बारे में बहस नहीं करने वाला कि यहाँ विजेता कौन है। जैस, रुकावटों के बावजूद तुमने काफी सुंदर चित्र बनाया है। रेचल, मकड़ियों से ज्यादा डर गई? अभी भी बनाने के लिए बहुत कुछ है, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है रेच। हमारी लड़कियां अब आधिकारिक रूप से समान स्कोर पर है। यह चुनौतियां बहुत ही रोमांचक होती जा रही हैं। और अधिक के लिए कौन तैयार है? जैस, तुम क्या खेल रही हो? ओह, यह सिर्फ गलत व्यवहार की परिभाषा है। पर यहाँ पर माइक है हम सबको यह याद दिलाने के लिए कि यहाँ और भी काम है पूरा करने के लिए, कोई और फालतू काम नहीं। न्यूटेला, 30 सेकंड में बनाने हैं, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, प्रेरणा जल्दी आ जाएगी। सामान्य तौर पर एक चित्रकार की रचना में उसकी सुंदरता और कलात्मकता निखर कर सामने आती है, पर इस चुनौती की वजह से रेचल और जैस का दिमाग थोड़ा घूम गया है। और कौन है जो कैच का इंतजार कर रहा है? यह नीला स्लाइम यहाँ कहाँ से आ गया? यह तुम्हारे लिए है। छी, मैं इसका क्या करूँगी? लड़कियों, समय पर ध्यान दो या गड़बड़ी करना बंद करो। मुझे डर है कि हमारे दोनों प्रतिभागी कोशिश के बावजूद असफल रहे, या फिर शायद इसे हम मॉडर्न आर्ट या अति रचनात्मक कह सकते हैं। माइक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। मुझे पता था माइक ने दोनों ड्राइंग को अस्वीकार कर दिया, या तो जानी हुई बात थी। ऐसे हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लड़कियों, इस राउंड को किसी भी चीज के लिए नहीं गिना जाता है। देखो रेचल, तुम्हें क्या लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है? वह कौन है और उसने क्या पकड़ रखा है? यह इस दौड़ के लिए नया और जाहिर तौर पर बहुत ही गुप्त होगा, तो चलो देखते हैं। नोटों का ढेर, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? वाह, तुम लोगों को 40 सेकंड में नोटों से भरे इस केस को स्केच करना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शुरू कर चुका होता। कोई मजाक नहीं, कौन यह अनुमान लगाना चाहता है कि इस ब्रेव केस में कितना है? नहीं, अब उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाद में गिनने के लिए विजेता के पास बहुत समय होगा। शुरू हो जाओ लड़कियों, ध्यान रखना, परेशान करने वाला भी होगा। हटो यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं और मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो यहाँ से। फिर से अनुचित आचरण। लड़की, खिलाड़ी से घृणा करो, खेल से नहीं। लड़की, यह क्या है? और पलक झपकते ही घड़ी की सुई शून्य पर। माई का परिणाम का निर्णय लेगा, लेकिन मुझे डर है कि उसे निर्णय लेने में बहुत समय की जरूरत नहीं है। जैसिका की यह गंदी ड्राइंग देखने लायक भी नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। और अभी तक स्कोर है 2 और 3। वह क्या है जो चमकीला है और चमक रहा है? यह तो मानो एक परियों की कहानी की तरह है। मैं फिर से, और यह बड़ा सा सुंदर चीज है जिसे आप दोनों को मेरे लिए बनाना है, और आपको इसके लिए मिलता है आधा मिनट।
यह कोई बच्चों का खेल नहीं है और यह सुनिश्चित है। पूरे जोश और भावनाओं के साथ उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश की जा रही है। मैं यह देखने के लिए बेताब हो रही हूँ कि वो उस बड़े पत्थर को कागज पर कैसे उकरती हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, आगे काम कैसे होगा यह देखना है। ओ, अब यह थोड़ी डरावनी चीज ही बची हुई थी इन दोनों के लिए, इसलिए वे स्पूक और उसकी बोतल को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और अब अंतिम सेकंड भी खत्म हुआ। अरे जेस, खुश नहीं हो? ओ, रेचल को फिर से वाहवाही मिल रही है और माइक इससे एकदम सहमत है। हमारी विजेता तो मानो हवा में ही उड़ रही है और उसके बगल में है बुरी तरह से हारी हुई उदास चेहरे वाली जेस। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। रेचल ने काफी शानदार जीत दर्ज कराई है 4-2 के स्कोर के साथ। बहुत अच्छा खेल था लड़कियों। रेचल, क्या तुम उन सभी पुरस्कारों को संभाल लोगी? मुझे तो लगता है कि इस चुनौती के बाद तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जेस, बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है, शायद अगली बार तुम उसे हरा दो। और बेशक अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सांत्वना पुरस्कार है। और ये रहा, चुनौतियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे ये तो मैड हैटर है। ओ, और वो एक चॉकलेट फाउंटेन लेकर आया है। अगर वह काम करता है तब क्लोई और मॉली को उसे इसी वक्त चालू कर देना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज, यह तो इसके साथ एकदम सही चीज होगी। और लड़कियां तो बहुत उत्साहित हैं अपने बेरी के पहाड़ के साथ। वाह, क्लोई का फल तो एक चॉकलेट के टुकड़े में बदल गया। आज तो यहाँ जादू की भरमार है। हमारी जोड़ी तो बहुत खुश है और उन्होंने सीधा खाना शुरू कर दिया, या शायद मुझे कहना चाहिए कि अपने मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। क्या वह ब्रोकली के साथ भी ऐसा ही करेंगे? उनकी उत्साह तो कम नहीं हुई है, लेकिन शायद जल्द ही हो जाए। तो कैसा है? Oh, no! लगता है कि क्लोई को यह कॉम्बो पसंद नहीं आया, लेकिन मॉली जानती है कि जादू से किसी भी स्थिति को बदली जा सकती है। ब्रोकली के आकार की तरह चॉकलेट यह तो बहुत बेहतर है। बहुत ही अच्छा स्वाद, और अब वो हरा कुरकुरा चीज नहीं होगा उसे बर्बाद करने के लिए। क्लोई हार मान गई है, जो हम समझ सकते हैं। उसका व्यंजन तो सच में खाया नहीं जा सकता है। छी। आगे बढ़ते हुए पिज्जा प्रकट हो गया। वो टुकड़े तो बहुत बड़े हैं। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को अपने टुकड़े को चॉकलेट में डुबोना होगा, जो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सच सच कहूँ तो बहुत ही बदतर। बस मॉली से पूछकर देख लो। क्लोई इस बार भागशाली निकली और उसे मिला है पिज्जा का फज वर्जन, जिसके ऊपर है चॉकलेट पेपरोनी। क्या आपने पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी है? हम क्लोई को अपने टुकड़े को इस तरह खाने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। हालांकि शायद हम थोड़ा समय ले लेते। तो ये क्या है? बिंगो! देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मॉली, मेरा हाथ अब एक मीठा ट्रीट है। मुझे लगता है मैं एक दो उंगलियां खा लेती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? सब कहाँ चला गया? अरे मैंने खत्म नहीं किया था। मैड हैटर, यह क्यों किया? चुनौती जारी है। अरे लड़कियाँ इसके लिए तैयार नहीं हैं। डायनामाइट! रुको, नहीं, यह तो बस चॉकलेट है और बहुत स्वादिष्ट भी है। लेकिन रुको, अगर वो नकली वाला था तो क्लोई के प्लेट में क्या था? ओ, चीजें तो बहुत गंभीर हो गई हैं। इन दोनों को तो तुरंत किसी सुपर हीरो की मदद की जरूरत है। वाह, सुपर गर्ल, क्या यह तुम हो? उसे तो डर नहीं लगता है, वह यह समस्या को संभाल लेगी।
ठीक है तुम दोनों, मैं दिन को बचा लूंगी। सबसे पहले तो हमें बेशक पूरी जगह को टेप से बंद करना होगा सुरक्षा के लिए। और अब बम की बारी, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। काम नहीं कर रहा है, क्यों ना? अरे नहीं, तुम्हें पता है क्या, मुझे सच में जाना होगा। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है मदद के लिए। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा। हमें इस काम के लिए सही उपकरण चाहिए होंगे, एक टेडी बियर। नहीं तुम सही कह रही हो, एक फेदर डस्टर, यह तो मददगार होगा ना? नहीं ओ, मुझे पता है, लेकिन मैं कौन सा तार काटूं? चलो कुछ कोशिश करती हूँ। मॉली, यह तो बहुत आश्चर्यजनक था, कितना अद्भुत, एक वास्तविक चॉकलेट विस्फोट। शांति और शांति, यह सब क्या है, कितना बुरा। काश दुनिया के सारे विस्फोट ऐसे ही मीठे होते। तो चलिए क्या हम देखें? ओ, क्लोई का हिस्सा तो अच्छा है। लेकिन मॉली का व्यंजन तो बहुत बढ़िया है। सच कहूँ तो काफी कठिन है यह फैसला लेना कि किसका बेहतर है, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लोई को तो मॉली से थोड़ी जलन हो रही है। ओ, चुराने के लिए तो उसके लायक ही थी। क्लोई ने पूरी गंदगी फैला ली है, इसके लिए वो अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकती। लेकिन लगता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया। मॉली को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, एक दोस्त से चॉकलेट छीनना अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा बर्ताव। कोको का एक नया गिलास और फिर दोबारा, सब ठीक है। क्या यह कोई मजाक है? खैर लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब मॉली वह ले रही है जो उसका था। अच्छा है, बहुत सारा था। हाँ तो ढक्कन खोलो और देखो अगला दौर आ गया है। वाह, यह तो बहुत सुंदर है, वैसे जूते जिनका ख्वाब लड़कियाँ देखती हैं। चलो उन हील्स को पहन कर देखो। क्लोई का तो पूरा रूप एक पल में बदल गया। मॉली, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? शायद नहीं, लगता है कि यहाँ समस्या वह जूते ही हैं। हाँ, उन्हें तो खा सकते हैं। खैर उसके पास हील्स तो नहीं है, पर उसे कम से कम एक स्नैक तो मिल गया। तो इधर क्या मिला है, नया फोन? मॉली को तो नया वाला मिला है। खैर जो है सो है, कम से कम क्लोई कुछ सेल्फी तो ले सकती है। अरे स्क्रीन को क्या हुआ यार? ओ, यह तो चॉकलेट का बना है। लेकिन ज्यादा आश्चर्य देखकर हो रहा है कि मॉली का नया गैजेट क्या क्या कर सकता है। मेरी बात मानिए कि वह फीचर तो जितने ऐप आपने देखे होंगे उससे हजार गुना बेहतर होंगे। क्लोई को लगता है कि मॉली कुछ ज्यादा ही कर रही है, और हाँ शायद उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो फोन गया बाहर उड़ते हुए। अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मैड हैटर तो पूरे दिन से एक कप कोको का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है, कौन जानता था कि उसकी एक मन्नत पूरी करना कितना कठिन होगा। हालांकि एक नया आईफोन सबसे बुरी चीज नहीं है जो उसके ग्लास में गिर सकती थी, खास करके जब वह जादुई हो। चॉकलेट के साथ चॉकलेट, यह तो एक परियों की कहानी की तरह है।
लड़कियां भी बहुत खुश हैं और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? ओह, खेलने के लिए कौन तैयार है? आशा है कि ये दोनों हैं। अगर ये थोड़ा वार्म अप कर ले तो शायद कोर्ट में जाकर खेल ले। लेकिन संदेह है कि मॉली उस रैकेट से कुछ मार पाएगी कि नहीं। लेकिन यह खाने के लिए एकदम सही है क्योंकि वह चॉकलेट का बना हुआ है। वह बॉल तो सही नहीं लग रहा है। ओह, और देखो यह टूट कर मॉली के प्लेट में आ गया है। क्लोई खुशी खुशी इस दौर में सर्व करने के लिए तैयार है। उसका हाथ तो उसके लिए ही बना है, तो तैयार हो जाओ दोस्तों। चाहे जो हो जाए, एक दिन में हॉट चॉकलेट से सब कुछ बेहतर हो जाता है। अरे नहीं, फिर से नहीं। कॉस्मेटिक्स, ये जितना भी हो काफी नहीं होता और क्लोई और मॉली इस बात से सहमत है। मॉली को तो परफ्यूम इकट्ठा करना बहुत पसंद है, उसमें वो माहिर है। क्लोई सामग्री को ध्यान से देख रही है, सब कुछ कितना नया, चमकीला और सुंदर है। पर उसी समय थोड़ा अजीब भी है। वो एकदम चॉकलेटी रंग और सुगंध वाला है। स्वादिष्ट, वो इस मीठे स्वाद का पूरा दिन आनंद ले सकती है। मॉली क्लोई का मेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे जो परोसा गया था वह चॉकलेट का बना हुआ था। कुछ रंगीन अच्छा होगा। यह निश्चित नहीं है कि वह स्टाइल और रंग क्लोई के लिए अच्छा है। मॉली वादा करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसके लिए पैलेट को दोष देना चाहिए। और लगता है कि उसे बस वह चीज खानी होगी। चॉकलेट शैडो तो इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं बने थे। और एक के बाद एक हर एक चीज को वो दोनों खुशी खुशी खा गए। यह शायद लड़कियों की पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। चॉकलेट।